ईस्ट इंडिया कंपनी झांसी में पिछले दिनों हुई घटना से चिंतित है। आप सिंगरा खानपुर अखार इस संदर्भ में मिले, अन्यथा झांसी के लॉ एंड ऑर्डर को बिगड़ने से बचने के लिए हमें अली बहादुर को किंग ऑफ झांसी घोषित करना होगा। नहीं अली साहब, महाराज कहीं नहीं जाएंगे। यदि आपके गवर्नर जनरल को उनसे मिलना है तो वो खुद यहाँ आए और उनसे मिले। धैर्य रखे महारानी। परंतु महाराज, हम इस पर विचार करेंगे। करते रहो विचार, वहां जाने से भी कुछ नहीं होने वाला चाचा जान। याद रखना, झांसी का तख्त अली बहादुर का है और सिर्फ अली बहादुर को ही मिलेगी। जाओ ऐसे और डाल दो कारागार में। तुम्हारे जेल में अली बहादुर को कोई एक दिन भी नहीं रोक सकता चाचा जान, याद रखना इस बात को। नहीं महाराज, हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे। लक्ष्मी, हमें समझने की चेष्टा कीजिए। आप अपने झांसी के लिए हमने पहले ही बहुत कुछ खो दिया है। सार्वजनिक त्रासदी के साथ साथ वैयक्तिक जीवन भी हमारा समाप्त हो गया है। क्या हमारे पुत्र दामोदर का बलिदान इसलिए था कि झांसी के सिंहासन पर एक 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 घृणित मानसिकता की वैश्या का एक अहंकारी पुत्र बैठे? नहीं लक्ष्मी, नहीं। झांसी के सिंहासन पर हमारे दत्तक पुत्र आनंद राव नेवालकर ही बैठेंगे। नहीं महाराज, हमारी विनती स्वीकार कीजिए। अभी तो आप पूर्ण रूप से स्वस्थ भी नहीं हुए, पर क्या पता ये उनके षड्यंत्र का कोई हिस्सा हो, और यदि यही हुआ तो फिर। नहीं लक्ष्मी, हमें जाना होगा। तो महाराज, हमें भी अपने साथ ले चलिए ना, हम आपको अकेले नहीं जाने दे सकते महाराज। नहीं लक्ष्मी, आप कहीं नहीं जाएंगे। यदि हम दोनों झांसी छोड़कर जाएंगे तो झांसी किसके भरोसे रहेंगे? और अली बहादुर, वो तो हमारे अनुपस्थिति में अवश्य कोई समस्या उत्पन्न करेगा। परंतु महाराज, वो तो कारागर में है ना। हम जानते हैं, इसीलिए हम कह रहे हैं कि आपको यहाँ रहकर झांसी का शासन संभालना है। लक्ष्मी, झांसी का शासन। नहीं महाराज, हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे महाराज, हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे। लक्ष्मी, हमने आज तक आपकी हर बात मानी है, परंतु इस बार हमें जाने दीजिए। नहीं नहीं नहीं, हम नहीं जाने देंगे आपको। छोड़िए हमें महाराज। महाराज, हमारी बात सुनिए महाराज। महाराज रुक जाइए, महाराज आ जाइए। सर, ये झांसी के बावन नगर सेठों द्वारा गंगाधर को दी जाने वाली 4 लाख अमाउंट है। इन्हें पीछे सिक्योर प्लेस में रखवा दो। यस सर। लिसन, किंग ऑफ झांसी कब आ रहा है? सर, वो किसी भी वक्त कानपुर पहुंचते होंगे। कानपुर के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। एक अच्छा अवसर है, किंतु महारानी आप पर नजर रखने के लिए यहाँ रुकी है। नजर तो वो बहुत दिनों से बहुत लोगों पर रखे हुए है, लेकिन राव दुल्हाजू, खेल का असली मजा तो अब आएगा जब वो अली बहादुर पर नजर रखेंगी। हमें जिंदा छोड़कर गंगाधर ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है, जिसका खामियाजा उसे बहुत जल्द भुगतना होगा। हे
ये वक्त अमल का है। क्यों सोच रही है इस वक्त जिंदगी थके हुए कदमों से चल रही है और मौत ये पांचवा खतरा आसमान पे मंडरा रहा है। तेरा जी तेरा शरीके सफर तन्हा इस सफर पर और तू यहां महल में दरीचों पर इस मलंग ने तुझे आगाह किया था। क्या पता आज मौत वही हो। यही है हक है। इन जंजीरों को क्या देख रही है चची जान? ये जंजीरें सिर्फ हमारा जिस्म जकड़ सकती हैं, लेकिन हमारी ख्वाहिशों और हमारे हौसलों का ना तो कत्ल कर सकती हैं और ना ही कैद कर सकती हैं। लक्ष्मीबाई घृणित मानसिकता वाले इरादों और इच्छाओं को कुचलना अच्छी तरह से जानती है। विश्वासघातियों और गद्दारों के सपनों का भयानक अंत ऐसा ही होता है जैसा तुम्हारी माँ लक्ष्मीबाई का हुआ। वाकई आपने ठीक कहा चाची जान, आपके चेहरे की तमतमाहट तो ऐसी है कि इसे देखकर सैकड़ों लोग दहशत ज़दा हो जाएंगे, लेकिन इतना यकीन जान लीजिए कि ये तमतमाहट अब बस कुछ ही दिनों की मेहमान है, क्योंकि इंशाल्लाह बहुत जल्द झांसी के तख्त पर अली बहादुर जलवा फरोज होंगे। ये देखिए इस नाम के आगे हमारे बाप की भी हिम्मत नहीं थी कि निवालकर लिख ले, लेकिन हम अली बहादुर झांसी के भरे दरबार में अपनी शिनाख्त खुद तहरीर करेंगे। गंगाधर बेदखल होकर रहेगा। हमारे महाराज की सत्ता छीनेगा? अरे हम तुझे तेरी पहचान ही भुला देंगे, तेरा अस्तित्व ही मिटा देंगे अली बहादुर। हमारे पहले भारत प्रदर्शनकारियों की भीड़ उत्तेजित हो रही है, वो शीघ्र अतिशीघ्र आपसे मिलना चाहते हैं। महारानी साहब उनसे मिल लीजिए, अन्यथा ये भीड़ बेकाबू हो जाए। इसकी सुरक्षा व्यवस्था और भी कड़ी कर दी जाए। जो आ गया ठीक है, जो हुआ बहुत अच्छा हुआ राव दुल्हाजू। अब मैं गंगाधर के खून से ही अपने नाम के आगे निवाल कर लिखाऊंगा। वो समय बहुत जल्द आएगा, सब कुछ योजना अनुसार ही हो रहा है। बाहर प्रदर्शनकारी भी योजना अनुसार ही प्रदर्शन कर रहे हैं। शाबाश शाबाश मेरे वफादार दोस्त, 24 घंटे की बात और है, उसके बाद गंगाधर मारा जाएगा और हम झांसी के तख्त पर बैठेंगे और तुम मेरे दोस्त तुम बनोगे हमारे वजीर आजम।
बग्गे रोको। दामोदर के समाधि पर कितने सुंदर फूल खिले हैं। ये आप क्या कर रहे हैं महाराज? ये इतना छोटा है और आप अभी से इसे राजा बनाने के सपने देख रहे हैं। संभवतः ईश्वर ने हमारे दामोदर को झांसी का उत्तराधिकारी उचित नहीं समझा। तभी तो अपने पास बुला लिया स्वर्ग का उत्तराधिकारी बनाने के लिए। तुम्हें गले लगाने के बजाय तुम्हारी समाधि क्यों छोड़ के गए? आप लोग अनाथ नहीं हैं, हम आपके साथ हैं। परंतु हम क्या करें महारानी साहब, हम किसानों से सारे नगर से अपना दिया धन ब्याज सहित मांग रहे हैं। पर अगर 24 घंटे में नहीं दिया तो मेरी सारी जमीन हड़प लेंगे। हमारे खेत चले जाएंगे तो हम क्या करेंगे, क्या खाएंगे? हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे। महारानी साहब रहम करो, रहम करो, रहम करो, रहम करो, हम भूखे मर जाएंगे। अपने नरेश पर विश्वास रखिए, वो इसी समस्या के समाधान हेतु कानपुर गए हैं और अवश्य कोई ना कोई हल निकलेगा। You're welcome, Majesty. Please be seated. Your Majesty, someone from the royal family, not from my side, hung the British flag upside down. So, of course, my officer Nelson... Mr. Dalloz, Nelson ne jo kuch bhi kiya, uska dand usse mil gaya. Kya aap jante nahi ki usne hamare pran lene ki cheshta ki? Aur swayam apne sare kukarmon ko swikar kar us par hastakshar bhi kiya. Your Majesty, anybody can be made to forcefully sign a document. That's the issue. Hey, ये असंभव है। आप भी नेल्सन के जानते हो और हम भी उसे अच्छी तरह से जानते हैं। Instead of us, कमिश्नरी से अंग्रेजी झंडा उतारे जाने से विक्षिप्त डलहौजी ने ठंडे लेकिन क्रूर लहजे में गंगाधर को धमकाते हुए कहा कि झांसी की कानून व्यवस्था ही नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था भी बिगड़ चुकी है और ऐसे हालात में ईस्ट इंडिया कंपनी फौरन झांसी को अपने अधीन करने पर मजबूर हो जाएगी। Not only क्योंकि अली बहादुर ने भी झांसी पर अपना दावा पेश कर दिया है
और राज्य के सारे नगर सेठों ने उसे पूरा समर्थन ही नहीं बल्कि धन भी दिया है। All the noblemen have now joined the side of Ali Bahadur. अभी अभी आपने कहा था मिस्टर दलौजी की डरा धमका कर स्वाक्षर लिए जा सकते हैं। इसी तरह डरा धमका कर लिखित समर्थन भी लिए जा सकते हैं। परंतु एक बात हमारे समझ में नहीं आ रही मिस्टर दलौजी, अली बहादुर का धन दिया गया है ये बात आपको विश्वसनीय लगती है? Your Majesty, whatever I am saying right now, I can back it with proof. If you will please come with me, I will show it to you right now. Please, please come with me. Look, Your Majesty, gold coins from 52 noblemen who used to give the coins to you. Now they have decided to give the coins to Ali Bahadur. So, Your Majesty, if you want to stay on the throne of Jhansi, you know what you have to do. हम अच्छी तरह से जानते हैं कि आपको क्या चाहिए। कमिश्नरी पर ईस्ट इंडिया कंपनी का ध्वज लहराएगा, परंतु अली बहादुर के साथ खड़े 52 नगर सेठों को हमारे पक्ष में लाना होगा और ये सारी राशि हमारी होगी। श्योर, द थ्रोन ऑफ झांसी विल रिमेन विद यू। The money is yours, the commissary is ours. परंतु हमारी एक शर्त है। I will agree to every condition, and in a few days we will both sign the treaty. Arrange to have this chest taken to the Johns. What treaty, Gangadhar Rao? Till then, we should be alive. हम सब मिलके कोई ना कोई हल शीघ्र ही निकाल लेंगे। बस थोड़ा धैर्य रखिए। महारानी साहब, अली बहादुर कारावास से भाग गया है। इष्टमलक ने तुझे आगाह किया था। पांचवा खतरा आसमान पे मंडरा रहा है। और अली बहादुर, वो तो हमारे अनुपस्थिति में अवश्य कोई समस्या उत्पन्न। पांचवी मौत वही हो। आपको यहाँ रहकर झांसी का शासन संभालना है लक्ष्मण। झांसी का शासन।